पेट के बल सोना गुना है, अल्लाह की नाफरमानी है। सुनन अबी दाऊद में हदीस है, एक सहाबी थे असहाब सुफा में से, सैयदना कैस गफारी, वो कहते हैं कि मैं मस्जिद नबी में लेटा हुआ था, पेट के बल मेरे सीने में तकलीफ थी, तो उसकी वजह से मैं पेट के बल लेटा हुआ था, तो एक शख्स आया और उसने मेरे पाँव पे आके अपने पाँव से हल्की सी ठोकर मारी मुतवज्जे करने के लिए, और कहा कि पेट के बल मत लेटो, ये अल्लाह की नाफरमानी है। तो वो कहते हैं मैंने जब मुड़ के देखा तो वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम थे। तो इससे जो लेटा हुआ शख्स है उसको उठाने का तरीका भी पता चल गया कि आप उसके पाँव पे पाँव, वैसे भी कोई सोया हुआ शख्स ज़मीन पे सोया और आप आके, ये नहीं है कि उसके पाँव को यूं हिलाएंगे, ठीक है, उसको आप पाँव से ज़ोर से भी नहीं मारना, ये ना हो कि इकराम मुस्लिम कर दे आपका उठते ही, आराम से उसे पाँव से पाँव हिलाएं और उसको यूं उठाएं। इसी को स्पोर्टिव एक और हदीस है, इसमें तो अल्फाज है नाफरमानी, सुन इब्ने माजा में एक हदीस है, हज़रत अबू ज़र गिफारी कहते हैं कि मैं एक दफ़ा पेट के बल लेटा हुआ था, तो एक शख्स आया और उसने अपने पाँव से मेरे पाँव पे हल्की सी ठोकर लगाई और मुझे कहा कि उठ जाओ, ये जहन्नमियों का तरीका है। तो कहते हैं मैंने पलट के देखा तो वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम थे। तो इन दोनों हदीस से पता चला कि ये जहन्नमियों का तरीका भी है और गुनाह भी है। जहन्नमियों का तरीका इस एतबार से भी है कि उन्हें औंधा मुंह करके जहन्नम में डाला जाएगा, इस एतबार से भी है कि जहन्नमियों को जब यानी जहन्नम में मार पीट की जाएगी, तो जिस तरह यहाँ पे भी आप देखते हैं ना कि थाने में भी उल्टा लिटा के पेट के बल उनकी पिटाई करते हैं, तो जहन्नमियों को भी उल्टा पेट के बल लिटा के उनकी पिटाई की जाएगी। बोले आज़ु बिल्लाहि तआला, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, आमीन। तो इस एतबार से इसे जहन्नमियों का भी तरीका कहा गया, और अल्लाह की नाफरमानी तो बहरहाल इसके अंदर है ही है। बाकी कई एक चीज़ें हैं जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है शरीयत में। इस हवाले से एक और सवाल भी पूछा जाता है, वो कहते हैं नहीं, सही मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई शख्स ज़मीन पर ऐसा चित ना लेटे कि उसने एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखी हुई हो। हालांकि हम में से अक्सर लोग ऐसे लेट जाते हैं कि सीधा लेटे और टांग पे टांग रखी, रिलैक्स हो जाता है ना बंदा थोड़ा सा। तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि इस तरह लेटने से नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। अगले दिन भी एक भाई ने मुझसे राबता किया और उन्होंने कहा कि मैंने मिशकात में भी ये हदीस पढ़ ली है। तो फिर मैंने उनको बताया ये हदीस जो है ये मनसूख है या किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी कहते हैं मैंने इस हाल में लेटे हुए देखा कि आप अलैहिस्सलाम ने चित लेटे हुए थे और अपनी दाई टांग अपनी बाई टांग के ऊपर यूं रखी हुई थी। अच्छा, इमाम मुस्लिम ने बड़ी प्यारी तरतीब लगाई है, ये जो मना फरमाने वाली हदीस है ना वो पहले लेके आए हैं, और फिर खुद जो हुजूर का अमल यही वाला था वो हदीस बाद में लेके आए हैं ताकि नासख व मनसूख पता चल जाए। दूसरा, ये मनसूख अगर ना भी हो ना, एक स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में है, वो मुस्लिम शरीफ में ये अल्फाज हैं उस हदीस के अंदर जिसमें मना किया गया है। उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कोई शख्स एक कपड़े में लिपटा हुआ है ना तो वो एहतबा की हालत में ना बैठे गोठ मार के, यानी दोनों घुटने खड़े करके और यूं उसको घुटनों को पकड़ लेना, तो एक कपड़े में उसका सितर खुलने का अंदेशा है, और ना वो इस हालत में जमीन पे इस तरह लेटे कि वो एक टांग पे दूसरी टांग रखे। अगर आपने कपड़े इस तरह के पहने हुए हैं कि जो एक चादर में आप लिपटे हुए हैं तो उसमें आप जब यूं करेंगे तो आपकी बेपर्दगी होने के चांस है। पैंट में या ट्राउजर में या शलवार में अगर कोई शख्स यूं करता है तो उसकी बेपर्दगी के चांस नहीं होंगे। तो ये स्पेसिफिकली उस चीज के बारे में है। आप देखें इस लेवल तक डिटेल चीजें बताई गई हैं। सुन अबी दाऊद में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम में से कोई किसी सायादार चीज के नीचे बैठा है ना और थोड़ी देर बाद वहां पे धूप आ गई है तो वहां से उठ जाओ, आधी धूप और आधे छांव में मत बैठो। साइंटिफिकली भी ये चीज जहर है, वो एक थर्मल डिफरेंस तो टेम्परेचर का क्रिएट हो जाएगा ना, या मुकम्मल धूप में आके बैठो या मुकम्मल छांव में बैठो, दरमियान में ना बैठो। इसी तरीके से अबू दाऊद में हदीस है कि कोई शख्स किसी ऐसी छत के ऊपर ना सोए जिसके गिर्द पर्दे ना लगे हुए हों, रात को कोई बंदा नींद में उठे तो गिर सकता है। बाज लोगों को सोते हुए चलने की भी आदत होती है, सोते हुए चलने की आदत ना भी हो, बाज औकात हमारे साथ आम हालत में भी होता है कि हम जब सुबह उठते हैं कई बार पूरी यानी वो बूट नहीं हुआ होता दिमाग,
आपको अपने घर में भी नहीं पता चल रहा था मैं कौन से कमरे में आया सोया हुआ, तो किसी और तरफ चला जाता है। और कई लोग सीढ़ियों से अपनी गिर गए हैं, गए बाथरूम थे लेकिन वो दूसरे रास्ते पे सीढ़ियों से नीचे जाके गिर गए हैं, नहीं पता चला उनको, हो जाता है ऐसे। तो नबी ने फरमाया ऐसे आपने छत पे भी नहीं सोना जिसके गिर्द पर्दा ना हो, ताकि अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो फिर अपने आप की मलामत करने वाली बात है। बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई शख्स रात को अपने घर में इस हाल में ना सोए कि उसका कोई जो है वो दिया वगैरह बत्ती जल रही हो, उसको बुझा के सोए, आग इंसान की दुश्मन है, क्योंकि शैतान भी आग से बना है, वो इंसान का दुश्मन है। और उसी हदीस में मौजूद है कि मदीना शरीफ में एक घर था जो रात को ये दिया जलाते हुए सो गए, तो रात के वक्त चूहा आया तो वो बत्ती को ले गया अपने साथ और पूरे घर को आग लग गई, क्योंकि वो तेल होता था, मट्टी का तेल तो होता नहीं था, वो तो चूहा तो ज़ाहिर पिए तो मर जाए, उस ज़माने में तो खाने वाला तेल ही जलाने के लिए भी इस्तेमाल होता था, अमीर लोग जैतून इस्तेमाल करते थे, गरीब लोग और तेल इस्तेमाल कर लेते थे, वो तेल बैक वक्त खाने के लिए हंडिया में भी इस्तेमाल होता था और आग जलाने के लिए भी। आए दिन सर्दियों में हर दफ़ा टीवी पे खबरें आती हैं कि वो गैस का हीटर चलते हुए छोड़ दिया, पीछे से गैस चली गई, जब वो वापस आई तो वो ज़ाहिर है बहुत महंगे हीटर होते हैं जो ऑटोमेटिकली ऑफ होते हैं, गैस आई बंदे मर गए, और कई जगह तो दम घुटने से मर जाते हैं कि वो अंगीठी जलाई हुई होती है और वहाँ पर ऑक्सीजन इतनी ख़त्म हो जाती है कि रात को सोए भी सो जाते हैं। तो इस एतबार से यानी हमें शरीयत में पाबंदियाँ बताई गई हैं, अलबत्ता नबी इस्लाम ने कुछ बैठने के जो तरीके अडॉप्ट किए हैं फ़ी नफसी उनमें कोई ख़राबी नहीं, जैसे मैंने एहतबा का बताया कि ये गोठ मार के बैठना यानी दो घुटनों को खड़ा करके यूँ, ये एक चादर में बैठने से तो मना फरमाया, लेकिन सही बुखारी में मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि मैंने खाना काबा शरीफ के सेन में हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कई दफ़ा इस तरीके से बैठे हुए देखा, ये सुन्नत है बैठना, लेकिन खुतबे जुमा में नहीं बैठ सकते। वो अबू दाऊद में हदीस है कि कोई शख्स खुतबे जुम्मे की तकरीर के दौरान एहतबा की हालत में ना बैठे, क्योंकि ये रिलैक्स करने वाली पोजीशन है, आपको नींद आ जाएगी, तो आपने अटेंटिव होकर बैठना, या दोजानों बैठे या आलती पालती जिसे हम चौकड़ी कहते हैं मार के बैठना, आलती पालती बैठना, चार जानों भी उसे कहते हैं, वो भी हदीस है अबू दाऊद के अंदर, तिर्मिज़ी के अंदर, कि नबी अलैहिस्सलाम फजर के बाद मस्जिद में ही आलती पालती यानी चार जानों बैठते थे, यहां तक कि सूरज खूब बुलंद होता फिर आप घर वापस आते, तो उस एतबार से भी बैठना सुन्नत है, ये तमाम तरीके सुन्नत हैं। बर उस बात की तरफ वापस आएं कि पेट के बल लेटना ये गुनाह भी है, हराम भी है और जहन्नमियों का तरीका भी है, ये बात आपने जो सुनी थी वो बिल्कुल ठीक है, लिहाजा इस मामले में एहतियात करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया जी।